से शुरू करते हैं। छोटे तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, कुर्सी बेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ करण और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के हम बात करेंगे जो मतलब हमारा फ्री फायर है, क्या वो इंडिया में बैन होने वाला है या नहीं, क्या फ्री फायर इंडिया में बैन होगा। ठीक है, और जो हमारे यूट्यूबर है, हमारे यूट्यूबर जो थोड़े, वो क्यों अभी भी नोनो लाइसेंस स्ट्रीम कर रहे, भाई क्यों कर रहे हो तुम नोनो लाइसेंस स्ट्रीम, बताओ ज़रा हमको। उसका भी बता रहा हूँ कि क्यों वो लोग उनको भी मजबूरी में स्ट्रीम करनी है। ठीक है, ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। नहीं गाइस, मैं यूट्यूबर से पहले एक इंडियन हूँ। ठीक है, तो इंडियन होने के नाते मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखी, ठीक है, तो देखिए उधर लिखा हुआ था ही, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा था। तो उधर ऐसा लिखा था कि सिंगापुर वालों ने 2009 में वो खरीद ली। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है गरीना के ऊपर, तो गरीना फ्री फायर 2017 में बनी थी और उसको बेच दिया गया था। ठीक है, 2007 से वो अभी सिंगापुर के एक बंदे के पास है जो करोड़पति है। वो इतने अभी मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या फ्री फायर चाइना का है, नहीं गाइस, फ्री फायर 100% सिंगापुर का। आप बोलोगे सिंगापुर तो इधर आया, चाइना में ही दिखा रहा है। आप गूगल मैप खोल के देखना, सिंगापुर सर्च करना, उसके जस्ट बाजू में चाइना दिखा रहा है। ठीक है, तो नहीं गाइस, सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है लाइक इंडिया, जैसे मतलब हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट चलती है, उधर सिंगापुर में सिंगापुर की खुद की अलग गवर्नमेंट चलती है। ठीक है गाइस, तो ये एक बात हो गई। ठीक है, तो टेंशन ना लो, फ्री फायर इंडिया में बैन कुछ वगैरह होने वाला नहीं है। अगर आप लोग अपना करियर फ्री फायर की गेम में, अगर आप अभी अपना करियर देख रहे हो कि भाई मैं ग्लोबल जाऊंगा, उसके बाद एक दो बार ग्लोबल जाके फिर मैं अपना नाम करूंगा फ्री फायर में, फिर यूट्यूब पे आऊंगा, ठीक है, तो नहीं, आप टेंशन ना लो, आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी पहले यूट्यूब छोड़ के गया था, ठीक है, अब लेकिन मैं पूरा हर जगह पर देख के आया हूँ कि क्या फ्री फायर बैन होगा नहीं, इसलिए मैंने और ज्ञान भाई ने वापस यूट्यूब में आने की मतलब YouTube में वापस कदम रखा है मैंने और उमरान भाई ने। ठीक है, और इस बार हमको सक्सेस भी बिल्कुल अच्छी मिल गई, मतलब ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक का। तो आप लोग तो मतलब आने वाले ऑडियंस हमारे साथ, ठीक है, ऑडियंस तो हमारे साथ वैसे भी हर बार रहती है गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस। हम तकरीबन 6 महीने बाद वापस आए यूट्यूब पर और आप तो भी अभी भी हमको इतना ही प्यार दिखा रहे हो। ठीक है, पहले से तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो आप अभी, ठीक है। तो गाइस ये बात थी, अब बात करते हैं दूसरे कि क्यों हमारे एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम ले ही ले रहा हूँ, कि अज्जू भाई 94, ठीक है, 94, वो क्यों मतलब अभी भी नोनो लाइसेंस स्ट्रीम कर दो। गाइस आपको नहीं पता कि अगर आपके चैनल पे अच्छे खासे सब होंगे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कंपनी आपके पास चल के सामने से आएगी। ठीक है, आपको किसी को भी पता था कि चाइना और इंडिया के बीच में ये अभी ऐसा कुछ वॉर होने वाली है? नहीं ना, किसी को पता था कि भाई हमारे 20 जवान मरने वाले? किसी को पता था, जरा बताओ, नहीं ना। तो यस, ये एक ऐसा ही मसला हुआ है, ठीक है, किसी को पता नहीं था ये बात। तो गाइस ये सब के पहले हमारे जो अज्जू भाई है, उन्होंने नोनो लाइव से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, अब वो अगर स्ट्रीम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर केस हो सकता है, इसलिए उनको मजबूरी में स्ट्रीम करनी है। जब तक उनका एग्रीमेंट का टाइम मतलब वो 1 वीक का भी रहता है, तो वो एग्रीमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक अज्जू भाई को उस सबसे स्ट्रीम करनी पड़ेगी, वरना उनके ऊपर केस हो सकता है, समझ रहे हो। इसलिए अज्जू भाई ये कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इसमें कोई शौक नहीं, वो भी एक इंडियन ही है। ठीक है, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में कि मैं एक यूट्यूबर इसलिए वीडियो नहीं बना रहा, एक इंडियन हूँ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि अज्जू भाई को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ऑडियंस बोलेगी तो भी आप अपने पे केस थोड़ी करने दोगे, बताओ, केस आप पे हो सकता है भाई, साइबर क्राइम का केस, फिर बहुत रुपये लगते हो वो सब ख़त्म करने में। ठीक है, ये होने वाला है गाइस, कल से नया सीज़न आने वाला है, तो गाइस सबके लिए ऑल द बेस्ट, जितना हो सके उतने जल्दी हीरो जाके अपना नाम करो। ठीक है गाइस, और गाइस जहाँ तक मुझे लीक मिली है थोड़ी बहुत, उसमें पता चल रहा है कि अगली बार की जो हीरो की टी शर्ट आएगी वो टी शर्ट में वेस्ट नहीं आएगा, मतलब ऊपर वेस्ट नहीं चढ़ेगा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, वेस्ट आएगा ऊपर आएगा या नहीं आएगा, तो ठीक है, वो जो कल ही पता चलेगा, कल जो पहले हीरो पहुंचेगा वो बता देगा। ठीक है, इस तो मैं भी फुल ट्राई करूंगा कल खेलने का गेम, मेरे पास 2 फोन की भी हो चुका है और मेरे स्कोर मेट भी तैयार है। ठीक है,
हम सब रेडी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे डायरेक्ट 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन में लगातार पुश करूँगा जितना हो सके उतना, तकरीबन 5,000 स्कोर ट्राई करूँगा। ठीक है इस, तो आज के वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।